बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का छठा पाठ भगवान के डाकिए, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, इसकी व्याख्या हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ी। और आज हम लोग इसका प्रश्न 3 करेंगे। और कविता से शीर्षक के अंतर्गत दिया गया प्रश्न 3, जिसमें कि यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न में ये लिखा है, अब कविता से के अंतर्गत, कि किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल, प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती कि एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो ये दो पंक्तियाँ यहाँ लिखी हैं, और ये किन पंक्तियों से कविता के ये भाव पता चलता है। तो यहाँ पर जैसे पहला लिखा है पक्षी और बादल, प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, तो इसमें ये पंक्ति है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पंक्ति है क के लिए। और ख के लिए है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ये यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों का भाव यही है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, बादल कभी यह नहीं देखता कि ये हमारा देश है वो दूसरे का देश है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है और वो जहाँ चाहता है वहाँ स्वतंत्र रूप से खुशी खुशी चला जाता है और बरस भी जाता है। अब यहाँ पर ये पंक्तियाँ सभी बच्चे खुद से इसे लिख लेंगे। और चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रश्न 4 कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 4 कविता से, इससे इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 4 कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर के भेजे संदेश को ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से कि हवा व पक्षियों के हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर
पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के जल की और एक देश के जल की भाप से बना बादल एक देश के जल की भाप से बना बादल दूसरे देश में बरस कर विश्व बंधुत्व की भावना का ही प्रसार करते हैं लेकिन इसके विपरीत मानव यानी मनुष्य सीमा के बंधनों में बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता परंतु पक्षी और बादल बंधन मुक्त होने के कारण स्वच्छंदता पूर्वक यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो पक्षी और बादल सीमा की के बंधनों को नहीं मानते हैं और वे ये कार्य स्वच्छंदतापूर्वक कर सकते हैं पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर। तो यहाँ पर हम लोगों ने
प्रश्न चार किया, जिसमें कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के जल के भाप से बना बादल दूसरे देश में बरस कर विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व का अर्थ है पूरे संसार में भाईचारे की भावना का ही वो प्रसार करते हैं। उनके लिए सब एक हैं, एक समान है, लेकिन विपरीत मानव सीमा के बंधनों में बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता, परंतु पक्षी और बादल बंधन मुक्त होने के कारण यह कार्य स्वच्छंदता पूर्वक कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच में हम लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे। एक देश की धरती, प्रश्न पाँच है ये, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं ये लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर पाँच करेंगे कि इस कथन का भाव यह है कि इस कथन का भाव यह है कि हर देश अपने प्रेम के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजता है। यानी पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी मनुष्य एक समान हैं। यहाँ के सभी मनुष्य एक समान हैं। वे कहीं के निवासी क्यों न हों, वे कहीं के निवासी क्यों न हों, प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव के, प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर, अपने पराये की
अपने पराए की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती हैं, सुगंध भेजती है। इस सुगंध से प्रेम, इस सुगंध से प्रेम, एकता, सद्भाव, प्रेम, एकता, सद्भाव, समानता का, सद्भाव एवं समानता का संदेश छिपा होता है। संदेश छिपा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न था पांचवा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस कथन का भाव यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पाठ से आगे चलेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न चला दिया हुआ है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे। कविता से आगे के शीर्षक के अंतर्गत और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाठ से आगे, पाठ से आगे, और इसमें हम लोग उत्तर एक करेंगे कि पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के, पक्षियों और बादल के, पक्षियों और बादलों के चिट्ठियों के आदान प्रदान को, आदान प्रदान मतलब देना लेना, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, आदान प्रदान को हम प्रेम और आपसी सद्भाव के, प्रेम और आपसी सद्भाव के दृष्टि से, सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। दृष्टि से देख सकते हैं सभी देश के व्यक्ति, सभी देश के व्यक्ति एक समान है, अतः भगवान का यह संदेश, अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर
ये संदेश जो है वो सभी मानव जाति के लिए है। तो आज हम लोग पाठ से आगे के अंतर्गत पहला प्रश्न किए हैं और इसमें अभी और भी प्रश्न हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।